इस घर को देख सकते हैं आप, काफी पुराना घर हमारा गांव का। और इस पर डिजाइन देखिए, काफी शानदार डिजाइन बने घर पे, और काफी कम घर मिलते हैं आप देखने को। ये पहाड़ों में दरांती की धार को ऐसे ऐसे पत्थर पे तेज किया जाता है। हाँ बिल्कुल, खाड़ हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेजी गुसाई व्लॉग में। आज सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा गांव का नाम है भरनो, जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के थलेसर ब्लॉक में। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट भी सुबह के 8 बजे से हो रही है। तो सबसे पहले आज सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रहा हूँ अभी खेत में मंडुए की लवाई करने के लिए, और थोड़ा सा रह चुका हमारे मंडुए की लवाई। आज का मौसम देख सकते हैं आप, आसमान में बहुत ही प्यारे बादल लगे हुए हैं और धूप भी लगी हुई तेज वाली। तो देखते हैं बारिश आती है या धूप ही रहती है दिन भर, वैसे बादल डेली लगे रहते हैं। अपने मंडुए की लवाई हमने की हुई थी कल ही, हमने आंगन में रख रहा सुखाने के लिए, और इसकी मंडाई भी कर दी है। और मंडुए को इस तरह से होता है, उसको कूट के इस तरह के दाने होते हैं, और इसे तो हम और कूटेंगे। और इतना मंडुआ हो रखा है कल का, तो अभी इसके दाने दिखाते हैं आपको। इस तरह के दाने होते हैं मंडुए के, ये देखिए। अभी आधा मंडुआ यहाँ पे रखा है और आधा अंदर रखा है अभी। ये रहा, यहाँ भी देख सकते हैं मंडुए की ढेर, और अभी तो खेत में और भी बाकी है। मुझे उससे पहले वाली वीडियो में कमेंट आए थे जो झंगोरे की मंडाई की थी, कि हम झंगोरे की रोटी खाने के लिए आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि झंगोरे की रोटी नहीं बनते है, इसको हम जैसे चावल को पकाते हैं उसी तरह से पकाते हैं, फिर दाल के साथ खाते हैं, और बैलों को इसके आटे के पिंडा बना के खिलाते हैं, गाय बैल भैंस हो के, ज़्यादातर इन्हीं को खिलाते हम, और हम बहुत कम खाते हैं झंगोरा। और जो मंडुआ होते हैं इसकी रोटी बनती है। और अभी आके हमारे बैल यहाँ पर हल लगा रहे हैं, और इस खेत में हल तो लगा दिया उन्होंने, पर इसको आप प्लान कर रहे हैं हल से। आज का पहाड़ों में खाली कोई नहीं बैठा रहता है, जैसे बच्चे भी होके बच्चे भी अपने अपने काम करते हैं, जैसे खेतों से मंडुए के कट्टे लाना है, गोबर फेंकना है खेतों में, बच्चे इन कामों में लगे रहते हैं। और हम जैसे मंडुए की कटाई करेंगे और हल लगाएंगे और इसकी लवाई करेंगे, घास काटेंगे। आगे से जा रहे दोनों भाभियाँ, और उन्होंने बोरी और कट्टे लेके जा रहे मंडुए के लिए। और यहाँ पे बुआ खेतों की सफाई कर दी है। तो यहाँ पे भी दादी का नाश्ता हो रहा है। क्या क्या खा रहे नाश्ते में, किसकी सब्जी बनाई है? कद्दू की। अच्छा, तो दादी यहाँ पे कद्दू की सब्जी खा रहे हैं, मंडुए की रोटी ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी सारे माल्टे लगे इस पेड़ पे, और यहाँ पे ये बड़ा सा कुत्ता भी आ रहा है किसी का, हमारे कालू जैसा लग रहा है। यहाँ आगे से दो रास्ते डिवाइड होते हैं, जो सीधे नीचे के लिए जा रहे है ये जाते हैं गाँव की छनियों के लिए, छनिया बोले तो गौशाला के लिए, और जो ये वाला रास्ता है ये जाता है गाँव के लिए। तो मैं चलता हूँ गांव वाले रास्ते। और जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे बड़े बड़े से, ये है भांग के पेड़। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल दिखाई दे रहे हैं, और बहुत बड़े हो रखे हैं पीले कलर के, और बहुत मस्त लग रहे हैं। इस घर को देख सकते हैं आप, काफ़ी पुराना घर हमारा गांव का। और इस पर डिजाइन देखिए, काफ़ी शानदार डिजाइन बने घर पर, और काफ़ी कम घर मिलते हैं आप देखने को ये। और जो आपको एक घर दिखाई दे रहा है, हमारा पुराना घर था, और पहले हम यहीं पे रहते थे, और यहाँ पे दादा और दादी भी बैठे हुए। तुम्हारा नाश्ता पै? अच्छा, क्या काम कर रहा तुम यहाँ? अच्छा, तो यहाँ पे दादा और दादी ने झंगोरा निकाल रखा है, तो आज ये झंगोरे की मंडाई करेंगे। आजकल गाँव पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है, और ज़्यादा भांग के पेड़ हो रखे बहुत बड़े बड़े, जिनकी वजह से गाँव पूरा नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से भी। गांव के नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरे केले का बगीचा है हमारे गांव वालों का, और यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड़ है केले के।
जो ये रास्ता है ये हमारे गांव के खेतों को डिवाइड करता है। जितने भी खेती रास्ते के ऊपर है इसको मेली सारी कहते हैं, और जितने इसके नीचे इसको तेली सारी कहते हैं। और इस रास्ते के नीचे पूरा मुंडवा बोर का है, और इस रास्ते के ऊपर पूरा झुंगोरा बोर का था। और अब इसके ऊपर गेहूँ की बुआई होगी और नीचे का सारी पूरा खाली रहेगा। आजकल भाई भी आ रहे हैं दिल्ली से घर, और उसका मैना लगा है तो काम करने के लिए आ रही है घर। और यहाँ पे छोटी सी बच्ची भी है, क्या नाम है उसका? इसका नाम है नैना। बता नैना। नैना नैना हाई कर तो हाई कर दे। हाय। तो कैसा लग रहा है भाई आपको घर में असूर के महीने में? घर में जो आनंद है वो कहीं नहीं है असूर के महीने में। लेकिन जो काम कर रहे हैं उनसे पूछो कि क्या हाल कैसा लग रहा है। हम तो बैठे हैं, हमें तो मजा आ रहा है। जो काम कर रहे हैं उनसे पूछो, बहुत बुरा हाल है। अच्छा भाई के बहुत बुरा हालत हो गए कुछ दिनों में। अच्छा अच्छा हालत है वो देखो। तो नीचे से वो कह रहे हैं हमें पूछो बस। और यहाँ पे ताई जी भी आके गौशाला से और एक ककड़ी लेके आई है। दिखाना तेरा पहाड़ी ककड़ी। पहाड़ों में दरांती की धार को इसे ऐसे पत्थर पे तेज किया जाता है। चलते हैं खेत की तरफ। और गांव की वीडियो तो बना दिया मैंने, और गांव भी यहाँ से खत्म हो चुका है। और पानी की बोतल लेके भी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि खेत में प्यास लग जाती है पानी की। हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों ने मंडुए की लवाई कर ली है, और किसी किसी का बच्चा है मंडुआ, और जल्दी लवाई करना पड़ेगा उसका, वरना सुअर इसको कुछ नहीं बचा के रखेगा। तो दोस्तों हम खेत में पहुँच चुके हैं, और ये हमारा सबसे चौड़ा खेत है। तो इसकी लवाई हमने आधी कर रखी है, और इतना लवाई करना रह चुका है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर पूरा मंडुआ रह चुका है साइड के लिए। तो इसकी लवाई करते हैं फटाफट। मंडुए की लवाई के लिए सबसे पहले हमें कपड़ा बांधना पड़ेगा। कपड़े को इस तरीके से बांधते हैं। यहाँ पे कपड़ा बांध दिया हमने, तो मंडुए की लवाई करते हैं। और इस मंडुए को रखेंगे हम पीछे कपड़े में, और जब ये भर जाएगा फिर इसके बाद हम इसको थैले में रखेंगे। यहाँ पे दादी और बुआ भी आ रही है इस खेत में लवाई करने के लिए। और यहाँ पे दादी चाय और रोटी लेके आई है, और साथ में यहाँ पे केले भी लेके आई है। और यहाँ पे पहाड़ी ककड़े। तो दादी और बुआ ने इतना लवाई कर लिया है, और हमारे खेत इतने से इधर है, इतने से इधर दादी का है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मंडुआ पूरा लटक रखा है नीचे। तो यहाँ पे मेरा चुन्नी फुल हो चुका है, तो इसको अब मैं बोरी में रखता हूँ। और पहले इसकी गांठ खोलनी पड़ेगी, टाइट बांध रखा है तो खुल गया यहाँ पर। और अब इसको बोरी में रखते हैं। यो है भी फोटो खींचना, और भी बोरी भरना। हे भगवान, क्या दुरा रहे हो। अभी दिन के 11 बज चुके हैं, और यहाँ पे मम्मी भी आ चुके हैं खेत में लवाई करने के लिए। अभी मैं ये बोरी लेके जा रहा हूँ गौशाले के सामने, और पानी भी खत्म हो चुका है, तो पानी लेके भी आएंगे बोतल में। तो अभी बहुत तेज धूप भी लगी है, और इतने तेज धूप में मन भी नहीं करता जाने का, पर क्या करें बारिश आएगी तो ये बोरियाँ भीग जाएगी खेत में। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ गौशाला में, और मंडुए की बोरी मैंने यहाँ पे रख दी है। तो अब भरते हैं पानी और फिर से चलते हैं खेत में।
अभी हम यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं और अभी हम खाएंगे यहाँ पे पहाड़ी खीरा और इसका आनंद लेंगे। तो यहाँ ककड़े के साथ पहाड़ी नमक लेके भी आए हैं और पहाड़ी नमक पे पहाड़ी खीरे पे ये नमक लगाएंगे और आनंद ही आनंद खाने में। अभी दिन के एक बज चुके हैं और हमने इस खेत की पूरी लवाई कर ली है तो अब हम चलते हैं घर के लिए। यहाँ पे मैंने भारी भी लगा दी है और मेरा कट्टा लटक भी चुका है तो इसको उठाते हैं। अब यहाँ पे मौसम बारिश वाला भी हो गया है और बारिश के छींटे भी आने लगी है। यहाँ पे भाभी जी चौक की लिपाई कर रही थी और बारिश भी आने लगी साथ में और कुछ फायदा नहीं हुआ उनको लिपाई किए हुए। तो आप क्या करोगे इसके बाद? अच्छा इनका सारा मेहनत बग जाएगा बह जाएगा मतलब। और बारिश की छींटे ज्यादा पड़ने लगी आप देख सकते नीचे। तो दोस्तों अभी मैं घर में पहुंच चुका हूँ और दिन का खाना भी खा लिया हमने और यहाँ पे बारिश भी आने लग गई है और माँ भी आ चुकी है खेत से और कोदे का कट्टा भी भीग गया है। और ये छतरी किससे लेके आए माँ? ये छान का मांग दे। तो मम्मी ने किसी से छतरी मांगी गांव में। यहाँ पे देखिए एडबी के पत्ते पर बिल्कुल पानी नहीं टिक रहा है और बहुत मस्त लग रहा है इस पर पानी टपकते हुए और बिल्कुल डायमंड की तरह चमक रहे हैं। देखिए पानी की बूंदों को कितना मस्त लग रहा है एडबी के पत्ते पे। और यहाँ पे इकट्ठा हो रखे तो इनको गिराते हैं नीचे। पहले इकट्ठा करते इसमें सारा पानी एक सामने इकट्ठा करता हूँ मैं। अरे गिर गया, हो गया। और बहुत मस्त लग रहा है एडबी के पत्ते। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर गया चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।